जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विशाल वाहन रैली निकाली गई। श्रद्धा और भावना के प्रतीक धार्मिक नगरी में आज देशभक्ति का जुनून चारों तरफ छाया हुआ है। इसकी तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 3 दिवसीय 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह पूरे देश में चल रहा है, इसी के तारतम्य में महाकाल की नगरी उज्जैन में आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विशाल बाइक रैली के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। आईजी, डीआईजी, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर सहित तमाम जिले के पुलिस विभाग, जिला प्रशासन के विभाग बाइकों पर तिरंगा लहराते हुए वंदे मातरम भारत माता की जयकार लगाते हुए गली मोहल्ले सड़कों से गुजरते हुए निकल रहे हैं। हर जगह आजादी का महोत्सव बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा लहराया जाने लगा है। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि, आम जन भी तिरंगे की आन बान शान के साथ हर घर तिरंगा लहराने का संकल्प तो ले ही रहे हैं। साथ ही जन जागरूकता अभियान फैलाने के लिए जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं और धूमधाम से नाच गाते हुए बड़े उत्साह के साथ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें, आजादी के इस अमृत महोत्सव का यदि आप सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं तो हमारे श्री महाकाल सिटी चैनल नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण लाइव दिखाया जा रहा है। आप घर बैठे टीवी पर देखना चाहते हैं तो अभी चैनल नंबर 92 लगाइए और इसका सीधा प्रसारण डीजियाना बॉक्स चैनल नंबर 92 पर देखिए इसका सीधा प्रसारण लाइव। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब पर यदि आप लाइव इसका सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं तो अभी सर्च कीजिए सिटी 24 उज्जैन और देखिए आजादी अमृत महोत्सव का सीधा प्रसारण लाइव। ये हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग के द्वारा एक वाहन रैली निकाली जा रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जो आज़ादी का 75वां जो वर्ष है, उस 75वें वर्ष में हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने घर में झंडा फहराए, इसी जागरूकता को फैलाने के उद्देश्य ये बाइक रैली। इसमें हमारे सभी सीनियर ऑफिसर, आदरणीय कमिश्नर साहब, आदरणीय आईजी साहब, आदरणीय डीआईजी साहब, हमारे कलेक्टर साहब और सभी पुलिस अधिकारी इस पूरे शहर में इस बाइक रैली को निकालेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर उज्जैन में हर घर जुड़ चुका है। सभी संस्थाएं आगे आ रही हैं, सभी जनप्रतिनिधि आगे आ रहे हैं, दूसरे जो संगठन है वो आगे आके हर कोई अपनी अपनी तिरंगा यात्रा निकाल रहा है और इसी कड़ी में पुलिस के द्वारा जो बाइक रैली निकाली जा रही है उसमें मेरे कमिश्नर साहब के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि बाइक्स का जैसा क्रेज़ युवाओं के बीच में है तो युवाओं के बीच में इस मैसेज को पहुंचाने के लिए और इस अभियान से युवाओं को जोड़ने के लिए इससे अच्छा और कोई माध्यम नहीं हो सकता है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। नहीं, जैसा आपको विदित ही है कि इस अभियान के तहत, हर घर तिरंगा के तहत, काफ़ी पहले से 11 तारीख के पहले से ही पुलिस विभाग द्वारा इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है जन जागरूकता का, अपने विभाग के अंदर भी और अदरवाइज भी, और काफ़ी संख्या में हमारे द्वारा इसमें हमारे नागरिक बंधुओं को, जन सामान्य को जोड़ा गया है। आज इसी तारतम्य में 14 तारीख को सारे प्रशासनिक अधिकारी और हम सभी लोग शहर में एक तिरंगा जागरूकता और इस भावना को प्रेरित करने के लिए कि हमारी आन बान शान तिरंगा है और हम सभी इसके लिए अपने जीवन, अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें, इसी भावना के तहत हम सभी ये रैली के रूप में जाएंगे और आप सभी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस पर 14 अगस्त को जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। जैसा पूरे संभाग में, सभी जिलों में, सभी घरों में तिरंगा ऑलरेडी लहराया जा रहा है, मैं समझता हूँ लोगों ने इसमें बहुत ही उत्साह का प्रदर्शन किया है, उसी की कड़ी के रूप में आज इस बाइक रैली का आयोजन किया गया है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस अभियान से जुड़े। ज़्यादातर लोग जुड़ चुके हैं, जो किसी कारणवश जो अभी कहीं कुछ है तो वो लोग भी जुड़ें और तिरंगे को घर पे लहराएं, साथ ही तिरंगे को स्मरण करते हुए इसके साथ जो बलिदान जुड़ा हुआ है, जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जुड़ा हुआ है, सभी लोग इसको सम्मान के साथ जुड़ें, इसको अपना महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा इस अभियान के तहत हमारे सारे पुलिस अधिकारी, जोन से आईजी साहब, कमिश्नर साहब,
डीआईजी, एसपी, कलेक्टर सभी साहबान और सारे हमारे नीतिगत अधिकारी इसी उत्साह उससे जो है ताकि हमारा जो तिरंगा है वो अधिकतम ऊंचाइयों पर रहे, इसकी शान बनी रहे। इसमें जो जो 75वें अमृत महोत्सव के तारतम्य मनाया जाने वाला यह अभियान है, इसके तहत हम पूरे शहर में इसकी भ्रमण करेंगे।